हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 6 है। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 5 बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 6। इस रेडॉक्स रिएक्शंस में हम अब आगे इस छठे लेक्चर में बात कर रहे थे। पिछले दो लेक्चर से हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की, जिसमें हमने कम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर ली है। अब आज हमें बात करनी है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस की, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं इसको। ये क्या होता है, इस रिएक्शंस में क्या होता है? ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन जो है वो क्या है? बेसिकली डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस में होता क्या है कि एक ही एलिमेंट जो है वो एक ही साथ ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। यानी एक स्पेशल टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कोई एलिमेंट एक ही समय में ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इसका मतलब है कि एक बार उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा और एक बार डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही होगी और डिक्रीज कर रही होगी, तो बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ऐसी स्थिति में होगी कि वहां से इंक्रीज भी कर सके और डिक्रीज भी कर सके। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर हुई, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में हुई, और जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है वो भी एक स्टेज है। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट तीन ऑक्सीडेशन स्टेज स्टेट में होना चाहिए। उसकी कम से कम ऐसी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा एक एलिमेंट अगर किसी रिएक्शन में है जिसकी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट रिलीज कर रही है, थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका, तो वो कहा जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें एक ही साथ एक जगह इंक्रीज करेगा एक जगह डिक्रीज करेगा। यानी जो एलिमेंट होगा रिएक्शन में, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसकी थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, लेकिन वो जिस रिएक्शन में जब प्रेजेंट होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, न ज्यादा वाला न कम वाला, ताकि एक जगह बढ़ सके और दूसरी जगह कम हो सके। तो उसकी तीन जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा स्पेशल टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसका रिडक्शन भी होता है। चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं। लिखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which an element can oxidized and reduced simultaneously. ठीक है, एक ही बार टेक्स प्लेस, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। इट मीन्स द रिएक्शन मस्ट कंटेन एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स। राइट, इट मस्ट एग्जिस्ट इन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट
which is present must be in intermediate state, that is neither higher nor lower, right? Na to higher oxidation state mein, na to lower, that is neither higher oxidation state higher nor lower, but balki lower oxidation state. Ab isme agar intermediate state mein hoga to ek increase karega aur dusri jagah decrease karega, theek hai? To is tarike se hum dekhenge ki kaise ek bar increase kar raha hai, yani jab increase karega tab kya hoga, oxidize hoga, aur jab decrease karega tab kya hoga, reductions hogi. To oxidation aur reduction dono hongi ek hi element ka, aur is tarah se uske kam se kam 3 oxidation state mein exist karna chahiye. To aaiye isko kuch example ke zariye samajhte hain. Jaise aapne dekha hoga ki jo oxygen hai iska 3 oxidation state hota hai, aur uska ek behtar example jo hoga wo hydrogen peroxide ka lete hain, aur uske bare mein baat karte hain ki kaise ye reduction aur oxidation ek sath hota hai. तो आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन H2O2 इसका डीकंपोजिशन अगर हो तो इसे बनेगा H2O plus O2, ये बनेगा हाइड्रोजन का पेरोक्साइड का अगर डीकंपोजिशन होगा तो बनेगा वाटर और ऑक्सीजन गैस, ये इक्वस सॉल्यूशन होती है और ये भी इक्वस है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सीजन की, ये देखिए हाइड्रोजन की प्लस वन है तो प्लस वन और दो हाइड्रोजन होने की वजह से प्लस टू, और ऑक्सीजन की है कितनी, अब यहां पे भी माइनस टू होना चाहिए तो माइनस टू होने के लिए ऑक्सीजेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होनी चाहिए, माइनस वन, तभी ये दो मिलके माइनस टू होगा. तो ये माइनस वन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां पे जाने के बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, प्लस वन, दो हाइड्रोजन होने की वजह से हो जाएगा प्लस टू, और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, माइनस टू, तो ये माइनस टू होगा. और ये चूंकि ऑक्सीजन फ्री स्टेज में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, जीरो. तो यहां पे माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहां पे माइनस टू हो गया और जीरो हुआ. तो माइनस वन से जब माइनस टू हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया, और जब माइनस वन से बढ़ के जीरो हो गया तो यहाँ इंक्रीज किया. तो एक जगह ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, और इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ डिक्रीज कर रहा है. चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं. आई थिंक ये बात समझ में आ गया. तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होना चाहिए, ये मिडिल का होना चाहिए. ये माइनस वन जो है ये मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, ताकि एक बार ये यहाँ डिक्रीज किया और एक बार यहाँ इंक्रीज किया. तो इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली हो रहा है. सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen increases and decreases simultaneously, therefore oxidation and reduction takes place together in same chemical reaction. तो इस तरह के chemical reaction को हम कहते हैं disproportionation reaction. तो इसमें भी रिडॉक्स हो रहा है, तो ये स्पेशल टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ होती है, ठीक है. इसके अलावा
फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है। फास्फोरस फास्फोरस सल्फर सल्फर एंड क्लोरीन क्लोरीन इन अल्कली मीडियम इन अल्कली मीडियम अंडरगोज अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये तीनों के साथ भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फास्फोरस P4 ये सॉलिड है, अगर इसको OH माइनस प्लस H2O लिक्विड स्टेज में अगर इसके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? यस S फॉर सॉलिड, ये एक्वस होगा, ये लिक्विड होगा, एक्वस एंड ये लिक्विड, L फॉर लिक्विड। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या, तो मिलता है PH3 प्लस H2PO2 ये मिलता है। ये रिएक्शंस को पहले बैलेंस करते हैं और उसके बाद इसको आगे लिख। तो ये बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं PH3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और इधर एक तीन, और इधर है तीन और दो पांच। तो पांच और तीन में तो कोई कम्बिनेशन बनता नहीं है, इसलिए इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, और उसके लिए इधर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 यहाँ से मिल जाएगा 9। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से 3 और यहाँ से 3 6, और यहाँ ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, फास्फोरस 3 और फास्फोरस 3 + 1 4, यहाँ फास्फोरस 4 है। तो फास्फोरस की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये चूंकि फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी चूंकि प्लस 1 है तो इसकी क्या हो गई, -3, 3 हाइड्रोजन का प्लस 3 है -3, और यहाँ पे ये हो गया प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, और ये -2 इंटू 2 -4, -4 यहाँ प्लस 2 हो गया -4, और ये प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 होगा, है ना, यहाँ पे प्लस 2 होगा, ताकि 2 और ये -4 और ये +2 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यानी 0 से बढ़ रहा है यहाँ +2 हो रहा है, और 0 से डिक्रीज होके -3 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। आपको समझ में आ रही है बात, आ रही है ना, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमने कहा कि फास्फोरस ऐसा करता है, सल्फर भी ऐसा ही करता है, तो एसिड का रिएक्शन अगर हो, ये फ्री में है, यहाँ पे भी OH माइनस के साथ रिएक्शन करे तो इसके साथ भी तो सल्फर आयन बनेगा, और इसके साथ H2O3 ये भी बनेगा और H2O भी रिलीज होगा, तो ये एक केमिकल। अब पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये जो आयन बन रहा है ये भी आयन्स बनते हैं बेसिकली, ये जो है ये आयन्स बनते हैं। अभी हम पहले बैलेंस कर लें इसको। बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हाइड्रोजन इधर कितनी है, पहले देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 8 है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आप पहले सल्फर को देखो, सल्फर तो यहाँ पे 2 और 2 4 ही है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, अभी भी 8 नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 सल्फर और 4 सल्फर 8 सल्फर हो जाएंगे, 8 सल्फर यहाँ पे हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7, 7 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 12 है, यहाँ 3 2 6 और 6 12 ऑक्सीजन भी हो गया, तो ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 0, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है 0, यहाँ पे सल्फर फ्री हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे सल्फर की
यहाँ पे आयन्स बनता है बेसिकली, तो यहाँ पे ये सल्फाइट आयन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, क्योंकि ये -2 होता है, -2 × 3 -6 होगा, और यहाँ पे ये होगा -6 और यहाँ पे 2 × 4 = 3, यहाँ पे -2 आयन ये बनता है, 2 माइनस लिख देते हैं, 2 माइनस आयन ये बन रहा है, 2 माइनस यहाँ पे ये माइनस, ये भी 2 माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ये -2 यहाँ पे भी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और -2 इसमें है ऑलरेडी, तो ये हो गया 4 और 2 × 4 चार से चार कैंसिल हो गया, -2 है इसमें ऑलरेडी, तो हमें चाहिए -2 का -2 -4 और ये सल्फर का हो गया यहाँ पे -2, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो तीन अलग अलग, यहाँ 0 है, यहाँ -2 हो रहा है तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये आयन्स बनते हैं सल्फाइट आयन्स, तो 2 माइनस और यहाँ सोडियम, ये सल्फर ऑक्साइड आयन्स बनते हैं, तो इसमें भी -2 होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ पे भी चूंकि ये आयन बनता है इसलिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +1 ही होगी, तो एक बार ये -3 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, तो क्योंकि -1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन इस पे ऑलरेडी बोरोड है, तो एक यहाँ पे ये +1 होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन किया और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना फॉस्फोरस हाइड्राइड, और ये जो बन गया वो बना हाइड्रोजन फॉस्फाइट, और इस तरीके का ये एक आयन बन गया, तो आयन बन गया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी माइनस चार्ज ऑलरेडी है इस पे -1, तो ये -2 का -2 करेंगे तो ये -4 और -4 में से एक रह गया तो -3 ही बच गया, तो -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन का +1 तो × 2 टाइम्स तो +2 हो गया और फॉस्फोरस का एक +1 ही बचा ताकि वो +3 -3 को न्यूट्रलाइज कर सके, उसी तरह से यहाँ पे ये -2 है तो यहाँ सल्फर का कितना होना चाहिए, -2 × 6 होता है, चूंकि -2 ऑलरेडी है तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए और दो सल्फर मिलकर के -4 होगा, तभी ये 4 और -4 बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है तो -6 हो गया, तीन ऑक्सीजन का -6 में -2 ऑलरेडी चाहिए तो हमें -4 बैलेंस करने के लिए चाहिए, -4 बैलेंस करने के लिए +4 चाहिए और दो सल्फर मिलके +4 देगा, यानी एक सल्फर मिलके +2 देगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो यहाँ पे सल्फर की भी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका भी क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो रहा है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है ये अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरे कलर से लिखो इसको जरा, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन्स के साथ रिएक्शन करे क्लोरीन तो क्या मिलेगा, तो ये मिलता है हाइपोक्लोराइट CLO माइनस, हाइपोक्लोराइट आयन मिलता है राइट, प्लस क्लोराइड आयन मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप किस तरह से देखेंगे, ये -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे क्लोराइड आयन -1 है तो ये -2 होता है ऑक्सीजन का बेसिकली, लेकिन -1 चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए +1 ही चाहिए, तो -1 को ये ऐसे लिख दूं मैं, क्लोराइड आयन थोड़ा सा ClO- ऐसे क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइट आयन इसको कहते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन नाम लिख देता हूँ, हाइपोक्लोराइट आयन ये हो गया हाइपोक्लोराइट आयन। अब इसको पहले बैलेंस कर ले उसके बाद देखते हैं, क्लोरीन 2 है यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, ऑक्स हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, और तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है,
और क्योंकि एक फ्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, और जीरो से यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की होती है माइनस टू, माइनस टू में माइनस वन ऑलरेडी है तो इसका मतलब एक माइनस वन रह गया, एक माइनस वन को काउंटर करने के लिए क्या चाहिए, एक प्लस वन चाहिए, तो यहाँ प्लस वन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का ये माइनस वन है ऑलरेडी, और माइनस वन को काउंटर करने के लिए क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए अगर न्यूट्रल स्टेज में रखना है तो, और यहाँ न्यूट्रल स्टेज में तो है नहीं, ये आयन में है तो इसलिए माइनस वन चार्ज है इस पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन हो गई। तो ऐसी स्थिति में जीरो से एक बार यहाँ बढ़ के वन हो गया और यहाँ माइनस वन हो गया, क्योंकि क्लोरीन पे एक माइनस है ऑलरेडी, एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोराइड का माइनस वन होता ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी माइनस वन है। तो यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है क्लोरीन का, यहाँ जीरो है, तो जीरो से एक बार इंक्रीज किया, जीरो से एक बार डिक्रीज किया, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दीज ऑल आर प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप इसे याद रख सकते हैं और इसको आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और घर में जो हमारा घर में कपड़े धुलते हैं इसमें ये, इसके जरिए ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल करने से जो कपड़ों पे स्टेन लगा होता है उस स्टेन के साथ ये रिएक्शन करके उसको कलरलेस कंपाउंड में बदल देता है, और स्टेन दाग धब्बे जो होते हैं कपड़े पे वो निकल जाते हैं। तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्या करता है, इट रिएक्ट विथ स्टेन एंड मेक इट कलरलेस, इसलिए वो स्टेन दिखाई नहीं देता और ये उसको बनाता है कलरलेस। तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये हमारे घरों में काम आता है, इसके जरिए हम लोग जो स्टेन है उसको निकाल देते हैं। और कैसे कलरलेस बनाता है, ये उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड करके बनाता है, ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो स्टेन जो है वो दिखेगा नहीं, जो पहले स्टेन दिख रहा था अब स्टेन वो नहीं दिखेगा, तो हमको लगता है कि दाग धब्बे छूट गए हैं। तो इस तरह से ये, इसी का ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी ये इस्तेमाल होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट हाइपोक्लोराइट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है, हाइपोक्लोराइट आयन, तो याद रहेगा ना। तो जैसा हमने पिछले रिएक्शन में देखा क्लोरीन का कि ये क्लोराइट आयन को रिलीज कर रहा है, इसी तरह से ब्रोमीन एंड आयोडीन also exhibits the similar trend to release chlorite ion in chemical reactions। ये उसी तरह का ट्रेंड ये भी दिखाते हैं, लेकिन फ्लोरीन की बात कुछ अलग है, फ्लोरीन ऐसा नहीं करता, फ्लोरीन के जो रिएक्शंस होते हैं वो दूसरे तरह के होते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसलिए कहा जाता है, जब भी नाम लिया जाता है तो इन तीनों का अलग लिया जाता है, और फ्लोरीन का एक अलग बिहेवियर ही होता है, ऑल्दो इनके ही ग्रुप में है और इनके जैसा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी मिलती है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसके दूसरे दूसरे प्रॉपर्टीज भी है।
तो फ्लोरीन किस तरह से करता है, फ्लोरीन अल्काली मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये देखते हैं कि फ्लोरीन अल्कली सॉल्यूशन के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो फ्लोरीन जो है वो OH- के साथ रिएक्शन करके बनाएगा फ्लोराइड आयन और OF2 और प्लस H2O, ये बनाता है ऑक्सीजन फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन और वाटर, ये चीज तीन चीजें बनती है इसके जरिए, वाटर लिक्विड है और ये सारा बनता है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके। जैसे ये गैस है, ये इक्वस होता है, ये भी इक्वस रहेगा और ये गैस होगा और ये लिक्विड होगा, तो इस तरीके से ये फ्लोराइड आयन बनाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, और यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वन है ना, ये माइनस टू है तो ये माइनस टू, ये प्लस वन होगा है ना, तभी ये प्लस जीरो होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड, और यहाँ पे माइनस वन है ही है ना, तो ये माइनस वन है फ्लोराइड आयन में, तो माइनस वन प्लस वन और जीरो, ये तीन चीजें है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो रही है, ऐसा देखने में लग रहा है कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक जगह डिक्रीज कर रही है और एक जगह इंक्रीज कर रही है। लेकिन हमने पढ़ा था अभी कि फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है इवन, तो इसका मतलब है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, निगेटिव एलिमेंट, एंड इट अटैक्स ऑन वाटर, पीछे अभी हमने इसकी चर्चा किया था कि इट अटैक्स ऑन वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम इट, पीछे हमने रिएक्शन किया था ऑक्सीजन फ्रॉम इट है ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सो ये कभी ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रो, सिंस इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, सो दस इट कैन नॉट सो, thus it cannot so, cannot lose the electron to oxygen, oxygen, ऐसा हम कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि therefore positive electron अगर हाँ lose नहीं करेगा तो positive oxidation state is not possible for fluorine, therefore positive oxidation state, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन फॉर फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये चीज जो है वो गलत है, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव ही होगा, यहाँ ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजेशन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगी क्योंकि ये माइनस टू होगा, ये प्लस टू होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब फ्लोरीन के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, एंड देयरफॉर फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता फ्लोरीन का, एंड दस फ्लोरीन कैन नॉट बी, फ्लोरीन दस
fluorine does not show the disproportionation reaction. Proportionation reaction, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि फ्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पाए कि फ्लोरीन जो है वो उसकी करैक्टरिस्टिक जो होती है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से अलग होती है। फ्लोरीन को कई ऐसे भी लिखा जाता है फ्लोरीन, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको फ्लोरीन ही लिखता हूँ, इस तरह से भी लिखा जाता है, कई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको लिखने का, इसमें कोई बहुत बड़ा कलाकारी नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये इस्तेमाल किया है, कई किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है फ्लोरीन और ऐसे भी लिखा रहता है, बेसिकली शॉर्ट में ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आप फ्लोरीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, FLUORINE फ्लोरीन, हम लिखते हैं फ्लोरीन FLUORINE, तो दोनों में एक ही बात है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, एलिमेंट में स्पेलिंग का कोई फर्क नहीं है, आप इसे जैसे चाहे लिख सकते हैं, सुविधाजनक मुझे ये लगता है, मैं ये लिखता हूँ। सो ऑल अबाउट दिस इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में क्या, कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इक्वेशन को नहीं बैलेंस करना, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड, ठीक है। तो उस तरीके को सीखने के लिए हमें अगली क्लास तक का इंतजार करना पड़ेगा, अगली क्लास तक का इंतजार कीजिए, अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन बाय रेडॉक्स मेथड, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल।